गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 नेटवर्किंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नेटवर्क्स क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, और एट लास्ट में नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये जो है आपके चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। नेटवर्किंग इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस व्हिच अलाउज नोड्स टू शेयर रिसोर्सेज इन नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क्स नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर यूजिंग अ डेटा लिंक। द कनेक्शंस बिटवीन नोड्स आर एस्टेब्लिश्ड यूजिंग ईदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया। स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्क जो होता है अलग अलग डिवाइसेस के बीच में एक इंटरकनेक्शन होता है। ओके, जिसका काम क्या होता है? डेटा शेयर करना। जो भी आपका जो डेटा होता है कंप्यूटर का, उसको एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना नेटवर्किंग का काम होता है। और ये जो कनेक्शन होता है नेटवर्किंग का, ये दो जरिए हो सकता है, या तो बाय केबल मीडिया के जरिए, जिसमें आपने वायर के जरिए देखा होगा किसी भी चीज को जोड़ते हुए, या दूसरा वायरलेस मीडिया के जरिए। ओके स्टूडेंट्स, नेटवर्क A network is an interconnection of machines or people. In other words, a system of interconnected devices is called a network. Network क्या होता है? Machine या फिर लोगों के बीच में एक interconnection होता है। और ये network क्या होता है? Things को, मतलब जितनी भी चीज़ें उनको एकत्रित करके रखता है, ठीक है? और इसी को हम networking भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अब कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग अमंग अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। नेटवर्क्स आर कॉमनली कैटेगराइज्ड अमंग बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? देखिए, जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कंप्यूटर, जैसे एक कंप्यूटर आपका इस जगह पर है, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर आपका इस जगह पर है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह यदि आपको कोई डेटा शेयर करना है, तो इनको डेटा शेयर करने का आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये आपका केबल के जरिए आप इसको शेयर करेंगे, या फिर वायरलेस के जरिए शेयर करेंगे, जो रेडियो वेव फ्रिक्वेंसीज के थ्रू शेयर किया जाता है। ओके, The communication media or links allow the network components to work together. The network components may be located at remote locations or within the same building. जो network sharing जो होता है, network components होते हैं जिसके जरिए data share किया जाता है, और ये जो communication media होता है जिसके कारण ये जो network sharing की जाती है, ये या आपके कुछ रिमोट लोकेशंस पर मौजूद होते हैं, या तो किसी बिल्डिंग में, या जिस जगह पर आपके कंप्यूटर्स मौजूद हैं, या उस जगह पर मौजूद हों। ओके, अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के जो एडवांटेजेस होते हैं, हम वो देखेंगे। सबसे पहला है इसमें स्पीड। कंप्यूटर नेटवर्क का जो एडवांटेज है, जो कि सबसे पहला है, जैसे स्पीड, तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपका जो डेटा शेयरिंग जो होती है, वो काफी ज्यादा स्पीड के थ्रू शेयर किया जाता है, मतलब ज्यादा समय नहीं लगता है उस डेटा को शेयर करने में। दूसरा है इनएक्सपेंसिव सिस्टम। इनएक्सपेंसिव सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है, ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम लागत में पहुंच जाता है। तीसरा है, थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। जो डेटा आप एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर कर रहे हैं, उस डेटा में आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, किसके जरिए? कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। उसके बाद होता है सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या होता है? कि आपका जो डेटा है, जब वह शेयर किया जाता है, तो वह एक निश्चित जगह पर सेंट्रलाइज्ड होकर मैनेज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के जरिए स्टोर भी होता रहता है। फिफ्थ होता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब हुआ कि आप जिस रिसोर्स से अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी यूजर तक पहुंचती रहती है। सिक्स्थ होता है अलाउ फाइल शेयरिंग। डेटा में क्या, डेटा जो आप शेयर कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, इसके जरिए आप
फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं, जब जैसे कि कुछ फाइल्स यदि इस कंप्यूटर में और उन फाइल्स के लिए हमें इन तक पहुंचाना है तो आप नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ऐसा इजीली कर पाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब किसी यदि कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस भी हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है चांसेस ऑफ डेटा लॉस। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा यदि शेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ से डेटा यदि जा रहा है और सपोज यदि कोई टेक्निकल इश्यू के कारण आपका डेटा यहाँ तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा, डेटा बीच में गुम हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। सेकंड है अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम। जब आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचता है उससे क्या होता है, आपके जो कोई भी जो भी वर्क आपका चल रहा होता है वह अचानक से कहीं रुक जाता है और इससे पूरे एंटायर सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है यानी जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए वह भी कहीं ना कहीं उस पर अफेक्ट पड़ता है। थर्ड है स्लो नेटवर्क। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर यदि आप डेटा शेयर कर रहे हैं, यदि डेटा कम है यानी कम यूजर है तो क्या होगा, डेटा आपका स्पीड में पहुंचता रहेगा, लेकिन यदि यूजर ज्यादा है और डेटा भी ज्यादा है तो क्या होगा, इससे आपकी डेटा शेयरिंग की जो स्पीड जो है वह स्लो हो जाती है, यानी इसे हम स्लो नेटवर्क बोलेंगे। फोर्थ है डिफिकल्ट टू मैनेज। कई बार क्या होता है, जब कभी कंप्यूटर्स पर डेटा इंक्रीज होने लगता है, नेटवर्क इंक्रीज होने लगता है तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने लगता है सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। फिफ्थ है प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड अदर मालवेयर्स। कई बार क्या होता है, जो आपकी डेटा शेयरिंग जो होती है कंप्यूटर में मौजूद वायरसेस और मैलवेयर्स के कारण भी अफेक्ट होती है, जिसके कारण आपकी डेटा शेयरिंग काफी ज्यादा प्रभावित होती है। सिक्स्थ है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोसेस जो होती है वो कंप्यूटर्स के थ्रू ऑपरेटेड की जाती है और अपन देख रहे हैं कि जब आप डेटा यदि शेयर कर रहे हो तो इसमें लैक ऑफ इंडिपेंडेंस भी देखा जाता है, मतलब आप जो डेटा जो है उन्हीं कंप्यूटर्स में आप शेयर कर सकते हैं जिनके बीच में कनेक्टिविटी है, जिन कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी नहीं रहेगी उन कंप्यूटर्स में आप डेटा नहीं पहुंचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। अब जो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होती है वह किस तरीके से किन किन चीज़ों के जरिए पॉसिबल हो पाती है हम उस बारे में देखेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले इसमें दिया गया है सर्वर। सर्वर क्या होता है वो हम जान लेते हैं। सर्वर जो होता है आपकी शेयर्ड फाइल, जो फाइल्स आप शेयर कर रहे हैं उनको होल्ड करके यानी पकड़ कर रखता है, ठीक है, और यही सर्वर जो होता है आपके नेटवर्क सोर्सेस के जरिए सारे नेटवर्क तक आपका डेटा पहुंचाता है। ओके, और दूसरा है आपका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूज इन अ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। वर्क स्टेशन जो होता है ये कंप्यूटर इंटेंडेड यानी खास तौर पे कंप्यूटर के लिए तैयार किया जाता है, जिसका काम होता है आपके नेटवर्किंग एनवायरनमेंट को बनाना। इट इज लाइक पर्सनल कंप्यूटर एक्सेस दैट इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर्स एज वेल एज ऑन द मेन कंप्यूटर दैट इज द सर्वर। इसका काम क्या होता है, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर के अलावा और भी जो कंप्यूटर्स हैं उनको मेन सर्वर से कनेक्ट करके रखना, क्या करना, मेन सर्वर से कनेक्ट करके रखना ताकि जो डेटा कनेक्टिविटी है वह इजीली सुचारू रहे। दूसरा है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स एंड अलाउ द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और सर्वर्स को अलाउ करता है यानी उन्हें अनुमति देता है कि वह कंप्यूटर नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सके। ओके, उसके बाद होता है आपका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट अलाउज पर्सनल कंप्यूटर टू एक्सेस फाइल्स प्रिंट टू अ लोकल प्रिंटर एंड हैव एंड यूज वन और मोर डिस्क एंड सीडी ड्राइव दैट आर लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर। ये क्या करता है लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है आप उनको जो भी उनके अंदर जो फाइल्स है जैसे कि डिस्क है या सीडी ड्राइव्स है इनके जरिए आप उनको लोकल प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एमएस डॉस है, यूनिक्स है और लिनक्स एसेट्रा।
उसके बाद है हब एंड स्विचेस। अ हब इज दैट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस एंड मेक देम वर्क एज अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। हब क्या होता है? हब जो जो कई प्रकार जो मतलब अलग अलग जो कंप्यूटर जो होते हैं उन सभी को ये क्या करता है, एकत्रित करके रखता है, ठीक है, ताकि इन सभी के बीच में एक नेटवर्क सेगमेंट बना रह सके। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसमिशन चैनल्स। ट्रांसमिशन चैनल्स क्या होते हैं? ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन चैनल्स। दीज चैनल्स कैन बी वायर्ड और वायरलेस। देखिए जितने भी कंप्यूटर्स जो होते हैं नेटवर्किंग जो नेटवर्किंग के जरिए कनेक्टेड है वह इंटरकनेक्टेड इन्हीं ट्रांसमिशन चैनल्स के कारण कनेक्टेड रहते हैं ये, या फिर वायर्ड यानी वायर वाले भी हो सकते हैं या वायरलेस भी हो सकते हैं। ओके, अब टू एस्टेब्लिश वायरलेस नेटवर्किंग वी रिक्वायर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। यदि आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग वायरलेस नेटवर्किंग के जरिए हो तो आपको इन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो है वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स। वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स का काम होता है नॉर्मल नेटवर्क कार्ड्स की तरह ये वायर्ड नेटवर्क्स में मौजूद होते हैं और इन कार्ड को इंसर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा होता है एक्सेस पॉइंट्स और राउटर्स। ये एक प्रकार से हबर स्विचेस का काम करती हैं। इनमें वायरलेस एंटीना होता है जो कम्युनिकेशन या रेडियो सिग्नल्स के जरिए आपके डेटा को शेयर आउट करती हैं। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब ये वाला पॉइंट हम इजीली देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पहला पॉइंट दिया गया है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये छोटे पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और ये आमतौर पर पर्सनल डिवाइसेस के लिए या फिर किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में इंटरनेट का यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल के इंटरनेट से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट चला सकें तो आप किसका यूज करते हैं? हॉटस्पॉट का करते हैं। या आपको किसी डेटा को शेयर करना है एक मोबाइल से दूसरे से मोबाइल में तो आप किसका यूज करते हैं? ब्लूटूथ का यूज करते हैं। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। ओके, फिर होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क जिसे शॉर्ट फॉर्म में LANB बोला जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में यूज किया जाता है। ये या तो किसी ऑफिस या किसी स्कूल में यानी मतलब एक कम एरिया वाले एरिया में ये यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम MAN भी बोलते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? किसी एक शहर में सारे कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ये या तो किसी लाइब्रेरीज को कनेक्ट करने के लिए यूज करता है या किसी पर्सनल ब्रांचेस के लिए, जैसे एक स्कूल की यदि दो या तीन ब्रांच है और उनमें उनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है किसी एक शहर में एक जगह से दूसरे को इजीली कनेक्टेड सर्वर को कनेक्ट करके रख सकता है। उसके बाद होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम WAN WAN भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इसकी फिलॉसफी आप समझिए। आप सभी अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट में आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह या किसी एक शहर से दूसरी जगह या एक स्टेट से अदर स्टेट या कंट्री टू कंट्री या कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ये डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में जो इंटरनेट यूज करते हैं इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट क्या है, पूरी वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी होती है इसकी, एक देश से दूसरे देश में भी कनेक्टेड रहते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है एक बहुत बड़े इलाके में कनेक्शन को प्रोवाइड करवाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट डिस्क्राइब्स हाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉन्फिगर्ड एंड व्हाट स्ट्रेटजीज आर बीइंग यूज्ड। नेटवर्क आर्किटेक्चर का ओवरऑल काम जो होता है वह कंप्यूटर नेटवर्क का डिजाइन करना होता है और उसे कॉन्फिगर यानी उसकी कार्यप्रणाली को निर्धारित करने का भी काम होता है और स्ट्रेटजीज भी बनाना कि किस तरीके से वह बढ़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर आर ऑफ मेन टू टाइप्स। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू। सबसे पहला जो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होते हैं?
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब होता है, आप अपनी बुक में भी देखकर समझेंगे कि जैसे ये एक सर्वर है और ये जो उसके क्लाइंट है, तो इसका इसकी वर्किंग इस तरीके से रहती है कि यदि आप चाहें तो इस सर्वर के जरिए क्लाइंट्स में आप अपना डेटा आसानी से पहुंचा सकते हैं, और ये जो क्लाइंट्स हैं ये आपको रिप्लाई में फीडबैक भी देते हैं, यानी जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका इनपुट जा रहा है वो सर्वर तक पहुंचता है, और इसी सर्वर से आपको आउटपुट भी इजीली मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के, जैसे कि द सेंट्रलाइज्ड हैंडलिंग ऑफ डेटा प्रोवाइड्स एन इंक्रीज्ड सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग दैट द डेटा इज ओनली अवेलेबल टू द क्वालिफाइड इंडिविजुअल। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या होता है, ये आपको एक सिक्योरिटी यानी आपके डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया, या आपका डेटा उन्हीं कंप्यूटर्स के थ्रू पहुंचता है जो उस नेटवर्किंग में कनेक्टेड हो। सेकंड, अब अपन देखेंगे इसका डिसएडवांटेजेस हैं, यदि किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी जरूर होता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का डिसएडवांटेज भी हम देखते हैं, इट रन्स द रिस्क ऑफ सिस्टम ओवरलोड इफ टू मेनी डिफरेंट क्लाइंट्स अटेम्प्ट्स टू रीच द शेयर्ड नेटवर्क एट द सेम टाइम, देयर मे बी फेलियर और स्लोइंग डाउन ऑफ द कनेक्शन। स्टूडेंट्स देखिए, यदि एक ही सर्वर पर यदि ज्यादा वर्कलोड बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क फेलियर हो जाएगा, और इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन जो है स्लो डाउन हो जाएगा, यानी धीरे चलने लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, जिसे हम P2P आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर देखिए इस तरीके से वर्क करता है, आपको जो डेटा है वो इस मॉडेम के जरिए, राउटर के जरिए आपको पहुंचेगा, फिर ये पर्टिकुलर कंप्यूटर के यानी क्लाइंट सर्वर के जरिए डेटा आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हुए मिलेगा, और उसके बाद इन सभी कंप्यूटर्स को या आपका जो प्रिंटर है या इन सभी डेटा इन सभी चीज़ों को वह कनेक्टिविटी बनाकर रखता है। ठीक है, और ये भी आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल होता है, आपके डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, जैसे एडवांटेज क्या होता है, इट सपोज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सो द इंक्रीज लोड विल नॉट अफेक्ट द सिस्टम ओवरऑल। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग काम करता, मतलब एक ही निर्धारित मतलब पीसी से ये डेटा शेयर नहीं करता, ये आपको अलग अलग पीसी के जरिए भी मिलता रहता है, यदि भविष्य में कभी इस पे लोड पड़ता है तो इसका कोई भी इसका असर इस पर नहीं पड़ता है। ओके, अब इसका डिसएडवांटेजेस भी, इट डज नॉट सपोर्ट सेंट्रली मैनेज्ड सिक्योरिटी, इट डज नॉट प्रोवाइड द बैकिंग अप ऑफ फाइल्स। देखिए, इसमें आपको किसी भी प्रकार की आपके डेटा के लिए सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और साथ ही आपका जो फाइल है, यदि फाइल्स आपकी कहीं बीच में गुम हो जाती है तो उसका कोई भी बैकअप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप डू यू नो, ये डू यू नो यहाँ पर भी है, और जो भी आपके बैक पेजेस में, इनको भी आप अच्छे से रीड कीजिएगा और समझ के आपको इनको लर्न भी करना है। जैसे इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज भी दिए गए हैं, HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन सारी चीज़ों को भी आप रीड आउट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप अपन समझते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है इसको जान लेते हैं। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द केबल्स, कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस टू फॉर्म अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आकर होता क्या है, कंप्यूटर होते हैं ये केबल्स के जरिए कनेक्टेड होते हैं, या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि आपका मॉडेम, राउटर या हॉटस्पॉट के लिए आप मॉडेम का यूज करते हैं, ये इन सभी चीज़ों की कनेक्टिविटी को ही हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो अ फ्यू ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज आर डिस्क्राइब्ड हियर। देखिए, टोपोलॉजी जो होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं, और कुछ यहाँ पर दी गई हैं आपकी बुक में, जैसे सबसे पहले दी गई आपको बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी क्या होता है वो देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी इज मेड अप ऑफ मेन सिंगल केबल विद द टर्मिनेटर्स एट बोथ एंड्स। बस टोपोलॉजी क्या होती है, एक मेन सिंगल केबल पर आधारित होती है जिसमें दोनों ही एंड पे टर्मिनेटर्स भी होते हैं। इट इज शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम दैट मेक्स द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। ये एक प्रकार का शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम होता है, और इसे हम हमारे सिस्टम का बैकबोन भी बोलते हैं। कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इंक्लूड द सर्वर आर कनेक्टेड टू द लीनियर केबल फॉर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो अदर डिवाइसेस होते हैं सर्वर से इंटर कनेक्टेड होते हैं, जो कि लीनियर केबल से कम्युनिकेशन बनाते हैं। ठीक है,
अब इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। इनका सबसे पहला एडवांटेज होता है ये इजी टू इंस्टॉल, आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा आपको केबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। जैसे पहला इसमें दिया गया है, इफ द बैकबोन केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क इफेक्टिवली बिकम्स अनयूजेबल। यदि आपका बैकबोन केबल फेल होती है यानी आपकी मेन केबल यदि फेल हुई तो आपका पूरा जो इफेक्टिव नेटवर्क है वह अनयूजेबल यानी आपके काम का नहीं रह जाएगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द नेटवर्क शट डाउन। यदि आपका नेटवर्क शट डाउन होता है तो आप इस समस्या को नहीं ढूंढ पाएंगे। ये समस्या बस टोपोलॉजी में होती है। इसके बाद आपको दिया गया स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी यूज्ड हियर। ऑल द वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट कॉल्ड अ हब। स्टार टोपोलॉजी भी जो होती है सबसे ज़्यादा सामान्य तौर पर यूज की जाने वाली टोपोलॉजी होती है। और ये जो क्या होती है वर्क स्टेशन से कनेक्टेड यानी सेंट्रल कनेक्शन के जरिए वर्क स्टेशन के कनेक्टेड होती है। जैसे हम हब होते हैं, हब के बारे में भी हमने पिछले वाले पेज में पढ़ा हुआ था, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वर्क कर सकता है। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। इट इज़ ईजी टू ऐड एंड रिमूव वर्क स्टेशन बाय अपग्रेडिंग द हब। आप इसमें वर्क स्टेशन को ईजिली ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं और ये भी ईजी टू इंस्टॉल होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं। जैसे इसमें इट रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है आपको केबल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, फेल्योर्स इन द सेंट्रल हब विल ब्रेक डाउन द एंटायर नेटवर्क। यदि सेंट्रल हब में किसी भी प्रकार का फेल्योर होता है तो आपका पूरा नेटवर्क क्या होगा, रुक जाएगा, टूट जाएगा। और लास्ट में हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इन अ रिंग टोपोलॉजी एवरी वर्क स्टेशन हैज एग्जैक्टली टू नेबर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। ऑल मैसेजेस ट्रेवल थ्रू अ रिंग इन द सेम डायरेक्शन ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए रिंग टोपोलॉजी आप इस चैप्टर इस बुक में देखिए आपको इस तरीके से वर्क करती है। ये सर्कुलर वे में सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और या तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वर्क करती है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। इट इज इजियर टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन द नेटवर्क। इसमें यदि किसी भी प्रकार के नेटवर्क में फॉल्ट होता है तो आप इसे इजीली पता लगा सकते हैं। दूसरा, लेस नंबर ऑफ केबल वायर्स इज रिक्वायर्ड। इस रिंग टोपोलॉजी में आपको कम केबल वायर की आवश्यकता होती है। इसके बाद होती है इसके डिसएडवांटेजेस। अ फेलियर इन एनी केबल और डिवाइस ब्रेक्स द लूप लीडिंग टू ब्रेकडाउन ऑफ एंटायर नेटवर्क। यदि किसी भी प्रकार की केबल यदि ब्रेक होती है या टूटती है तो उसका पूरा नेटवर्क क्या होता है, टूट जाता है। एडिंग और रिमूविंग अ डिवाइस वर्क स्टेशन मीन्स रीवायरिंग एंड रीरूटिंग ऑल द केबल्स। इस रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सपोज आपको ये वाला कंप्यूटर ऐड हटाना है या दूसरा कोई कंप्यूटर आपको ऐड करना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी जो केबल है उसको आपको या तो अलग करना पड़ेगा या दोबारा से उसे इंस्टॉल करना रहेगा। तो ये मतलब इसमें डिसएडवांटेज होता है इसमें रिंग टोपोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर नंबर 1 नेटवर्किंग। आई होप ये आपको इजीली समझ में आया हो। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट फिर भी रहता है तो आप मुझसे उस चैट ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी आपको नेक्स्ट फ्रेम में दे दी जाएगी। आपको इस चैप्टर को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है, समझना है और इस एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन।